Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the carbohydrate. Carbohydrate जो है वो मेजॉरिटी दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. दैट मीन्स कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर. हाइड्रेट का मतलब होता है कि आप जो है वो हाइड्रेटेड रहें. हाइड्रेटेड मीन्स के यू हैव टू टेक द वाटर. ठीक है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रेट वर्ड में वाटर आएगा एंड वाटर के फॉर्मूला में H2O होता है. तो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स कहलाते हैं, यानी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन्स कहलाते हैं या हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं. ठीक है, दस बायो मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और एलिमेंट्स वेयर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के रेशियो के अंदर होगा. ठीक है, वाटर के अंदर जिस तरीके से होता है H2 होता है और ऑक्सीजन जो है वो 1 होता है. तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, CnH2n1ON. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सिंपल जो है वो आ जाता है C6H12O6. तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है ना, तो N मीन्स 6. अब n में कोई भी नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, जो भी आप जैसे ट्राइओजेस होंगे, पेंटोजेस होंगे. H जो है वो 2n होगा, मतलब अगर आप के ये यहाँ पे आप 2 लगा रहे हैं तो 2 2 4 हो जाएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6 लगा रहे हैं, ठीक है, तो 6 2 से क्या हो गया, 12 हो गया, अगर हम ग्लूकोज की बात करें. और ऑक्सीजन भी क्या है, N ही रहेगा, यानी कि जितने कार्बन हैं उतने ही ऑक्सीजन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन विल बी डबल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वेयर एस एन इज़ द होल नंबर और अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेमिंग सिस्टम. IUPAC नेमिंग सिस्टम क्या कहलाता है, केमिस्ट्री में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक नेमिंग सिस्टम है जो केमिकल्स को नेम प्रोवाइड करता है. उसके थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि पॉलीहाइड्रो मतलब बहुत सारे हाइड्रोऑक्सी और कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. कार्बोनाइल्स जो हैं उनके अंदर आपके पास या तो एल्डिहाइड हो जाएगा या कीटोनिक ग्रुप लगेगा. मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स में, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट. सबसे ज़्यादा मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट की क्या है, वो प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो मेजॉरिटी सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से. उनका प्राइमरी प्रोडक्ट फिर आपको पता है फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है और फिर बाद में अदर बायो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉर्म कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जाहिर सी बात है कि नाम से भी पता चल रहा है, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और इट फील्स देयरफॉर कॉल्ड सैक्रम. इसलिए इनको सैक्रम भी कहा जाता है, जिसके मतलब, और या अब इसको सैक्राइड्स भी कहते हैं, जिसका मतलब आप सैक्राइड्स को आप शुगर्स भी कह सकते हो लिटरल मीनिंग में, या आप ये भी कह सकते हो दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स को. कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर अबंडेंटली फाउंड होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में होंगे, लेकिन ज़्यादातर लाइक सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट. सेलुलोज किस में होती है, सेल वॉल में होती है प्लांट की. ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. तो वहाँ पे सेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन होंगी, पेपर्स में, स्टार्चेस के अंदर, सीरियल ग्रेन्स वगैरह के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर, शुगर केन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, फ्रूट्स वगैरह के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमने पहले ही डिस्कस ये बात कर ली है कि ये सैकराइड्स हैं और सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर्स हैं. तो ये जो है वो 3 ग्रुप्स के अंदर तीन शुगर के ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स.
फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोनोसेक्राइड्स. एज द नेम इंडिकेट्स, मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर. यानी कि ये ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल वो है जो सिर्फ वन शुगर का मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा होता है और दे कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू दिस रीज़न. और इसी वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं होता. एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल का है CnH2nOn और राइबोस शुगर अगर हम इसकी एग्जांपल लें या फ्रक्टोज शुगर अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो होगा C5H10O5, फ्रक्टोज में C6H12O6 एक्सेट्रा और बहुत सारे आपके पास यहाँ पे आ गए हैं. ट्राइओजेस भी हो जाते हैं, टेट्रोजेस भी हो जाते हैं, पेंटोजेस भी हो जाते हैं, एक्सोजेस, हेप्टोजेस, सारे के सारे. ऑल ज़्यादातर ये दीज ऑल आर फाउंड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म विद स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर. सॉलिड फॉर्म के अंदर तो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये सॉलिड जो है वो सॉल्युबल ना हो वाटर के अंदर. इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है. ये शुगर कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर. मोनोसेक्राइड्स को अगर हम फर्दर कार्बन एटम की बेसिस के ऊपर ये कह लीजिए क्लासिफाइड करें तो इसके सफिक्स यानी कि इसके एंड के अंदर OSE आएगा, यूज़ होगा, और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आपके होंगे. जैसे ट्राइओज है तो 3 कार्बन एटम. इसमें एग्जांपल्स में ग्लिसरोज आ जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन एल्डिहाइड, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स के अंदर और ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रही होती है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसमें ये फॉर्म हो रहे होते हैं. ग्लिसरल डीहाइड, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोसेस जो है, एरिथ्रोज और एथ्रोलोज, ये ज़रा हमारे पास कम देखने में मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह में ये फाउंड होंगे. इसके अलावा पेंटोजेज हैं और पेंटोजेज जो हैं बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि पेंटोज शुगर जो है वो हमारे डीएनए वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है. डीएनए आरएनए इसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इन्होंने बोल दिया. फिर हेक्सोज शुगर आ जाता है, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी की सारी जो है वो हेक्सोज शुगर जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजिकली आपके फ्रूट्स वगैरह के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, स्वीट कॉर्न्स के अंदर, हनी के अंदर ये फ्रक्टोज शुगर पाई जाएंगी जो हेक्सोज होती हैं. और ज़्यादातर ये पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म के अंदर भी कम्बाइंड होती स्टेट में प्रेजेंट होती हैं. और फ्रक्टोज की अनदर हेक्सोज जो है वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो फ्रूट शुगर भी कहलाती है. And usually they are found in the ring structure जो food sugar होता है and but we can also draw their structure in open chain form. तो हम ये जो sugars हैं, fructoses वगैरह हैं या glucoses वगैरह हैं, इन सब को हम open chain form में इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरीके से ring की form में भी नज़र बना सकते हैं जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं. इसके अलावा इन्होंने बोला है कि hexose जो sugar है वो divide होती है aldohexose isomers के अंदर. और aldohexose isomers का मतलब ये है कि ये isomers of दिस ग्लूकोज वगैरह होंगे. आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चरली ये डिफर करें एक दूसरे से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए. जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज वगैरह हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास गैलेक्टोज शुगर आ गई है, ठीक है. ये आपके पास मैनोज शुगर आ गई है, ये ग्लूकोज आ गई है. अब ग्लूकोज ग्लैक्टोज के अंदर स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है लेकिन फार्मूला वाइज वैसे ये डिफरेंट है. एंड कीटो हेक्सोसेस के आइसोमर्स में आपके पास फ्रुक्टोज, सरबोज, पेसिकोज ये सब आ जाएंगी. ये जो आपके सरबोज और पेसिकोज होती हैं ज़रा लेस शुगर्स होती हैं, ज़रा स्टेबल होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स. और ये आप फार्मूले में देख लीजिए कि भाई देखिए फार्मूला सेम ही होता है लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे ये OH है तो यहाँ पे H इधर आ गया और OH इस साइड पे आ गया, ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे फिर इसमें H इधर आ गया, OH इधर आ गया, यहाँ पे जो है वो H इधर है, OH इधर है, यहाँ पे OH इधर है, यहाँ स्ट्रक्चरली दे आर डिफर बट नॉर्मली दे आर सेम. So hope you understand and like it. If you like it, kindly subscribe my channel and hit the like icon and bell icon also. Thank you.